सुख चाहिए तो दूसरों को सुख देना शुरू करे, सुख दे और दुख अपनाए, तब जाकर के सुख मिलता है। यहां कमा कर कितना भगवान को देना है, कितना अपने लिए रखना है, या भोजन खाते समय कितना भगवान को खिलाकर फिर भोजन खाना है। यहां 24 घंटे जो हम अपने लिए जी रहे हैं, इसमें कितने घंटे अपने लिए जीना है, कितने घंटे भगवान की सेवा करनी है। जीव को पूर्ण शक्ति दी है, आपने क्या बदल के देखने को लिए ऐसे नेत्र दिए हैं, बोलने के लिए ऐसा मुख दिया है, चलने के लिए क्या गजब के पांव दिए हैं, सोचने के लिए क्या आपने बुद्धि दी है, संकल्पों को क्या आपने मन दिया है, सत का सूचक क्या आपने विवेक दिया है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, हे प्रभु आप क्षमाशील हो, जीव अधर्म का असत्य का अधिक संकट अनादिकाल से आपसे बिछड़ बैठा है, आपकी एक अनुकंपाशील दृष्टि से, आपकी कर्मंधा दृष्टि से इस जीव से ये छूट जाना है। आप तो परम दयालु हो, उस पर भी परम दयालु हो। मेरी विनती है हे प्रभु, ये आपके बच्चे भूल चुके हैं, तो इस अंतरंग भूल को क्षमा करना आपके हाथ में है, आप सर्वसमर्थ हैं, आप परम दयालु अति दयालु। सदगुरु श्री राधा रानी वो भगवता है जो सारे सृष्टि की यथार्थ मां है, जो सारे सृष्टि का यथार्थ सदगुरु है। समस्त जीवों के लिए यद्यपि दया भाव का जितना प्राकृतिक खर्च हो रहा है वो राधिका महारानी की ही अनुकंपा से हो रहा है। कबीर जी कहते हैं, कहता हूँ कहे जाता हूँ कहे बजाऊं ढोल, कबीर एक एक सांस खाली जाता है तीन लोगों मोल, सब सोहित निष्काम मत वृंदावन मिश्रा। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, सिंधु के बिंदुए नानक तुलसी सूर नाम दे तुकाराम, स्वामी हरिदास महाप्रभु हरि राम व्यास भगवत रसिक चाचा वृंदावन नागरिका ध्रुवदास। कृपा शब्द दो शब्दों का जोड़ है, कर और पा। कृपा शब्द का जो यथार्थ अर्थ है वो है करने पर पाना। तब से समझ लिया मैंने तू हर बशर में है, तब से समझ कुछ और ये मेरी नजर में। अविदना तो अचरा पसारे मांगु, अविदना तो अचरा पसारे मांगु, जनम जनम मोहे ब्रज रसिक संत श्री हित आसुदाराम जी, श्री भगत जी को अपने पिताश्री एवं गुरुदेव के रूप में पाना मेरे जय श्री राम मधुकर लिए परम सौभाग्य की बात है। श्री प्रियालाल जू की मुझ पर ये असीम अनुकंपा है जिसका प्रतिपल में अनुभव कर पा रहा हूँ। आज जो कुछ भी कला कौशल भक्ति और सेवा मैं आप सब तक पहुँचा पा रहा हूँ यह एकमात्र उनके अनुग्रह का ही परिणाम है। अपने जीवन काल में प्रियालाल जू के साथ हुई अपनी अनुभूतियों एवं लीलाओं को संगीत के माध्यम से लिपिबद्ध किया। मेरा
आपने श्री धाम वृंदावन में निशुल्क संगीत विद्यालय की स्थापना की एवं संगीत को भगवत आराधन का हेतु मानते हुए सबको इस अनुपम कला का निशुल्क वितरण किया। आपने ब्रज रस पर कई पुस्तकें लिखी जिनमें संगीत से भगवत प्राप्ति, प्रेम की उपलब्धि, मानव जीवन की सफलता एवं वृंदावन परिचय मुख्य हैं। आपने युगल सरकार की महिमा में अनेकों भजनों की रचना की। उनके द्वारा रचित भजनों को आज विश्व के मशहूर संगीतकारों गाकर अपना परम सौभाग्य मनाया। जाने दे ओ बनवारे, जाने दे ओ बनवारे, जाने दे ओ बनवारे, जाने दे ओ बनवारे। इसी प्रकार ठाकुर जी की परिचर्या में अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करते हुए उन्होंने 20 अप्रैल 2003 को प्रियालाल जू के गोलोक धाम में प्रवेश कर अपने जीवन लीला की पूर्णाहुति की। मेरा संपूर्ण जीवन उन्हीं के आदर्शों का अनुगमन करते हुए ब्रज रस की सेवा में निमग्न रहा और आज उन्हीं का कृपा प्रसाद जो मुझे प्राप्त हुआ मैं वाणी के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने के लिए अनवरत प्रयासरत हूं। प्रभु की अत्यंत अनुकंपा से ऐसे रसिक संत की सन्निधि का सौभाग्य युग युगांतर में कभी किसी को प्राप्त होता है, उसी सौभाग्य की सराहना करते हुए हम उनकी पुण्य स्मृति को सेवा कुंज श्री धाम वृंदावन में उनके द्वारा रचित रचनाओं को गाकर उन्हें अर्पण करते हैं। तब हूँ जिनके खेलत पर सोर अंचल को अति धन्य पवन, मानो कृतार्थ तन पुलकित है जो भीष अगम गति मधुसूदन। चढ़ी ऊँची अटाविलोकत है अपलक नैनन प्रिय नंद नंदन, विश्व भानु लली राधा जू की वा दिव्य दिशा को नित्य नमन। महान संगीतज्ञ हुए श्री आसुदाराम जी, जिनका चरित्र मैंने भक्त चरितावली में दो भाग में सुनाया। उनके साथ भगवान ने बहुत लीलाएं की, बाकी बिहारी ने अनेक चमत्कार किए उनके साथ। उन्हीं के ऐसे महान सुपुत्र हैं मधुकर जी, जिनके अंदर पिताजी का गुण बहुत आ गया। जय जय श्री राधे। हित श्री आसुदाराम जी एक ऐसे व्यक्तित्व जिनने रसिक आचार्य की वाणी को ब्रज रस से लेके और फिल्मी जगत में पहुंचावे को जो कार्य कियो वो कोई सहज कार्य नहीं है। साजन प्रीति लगाए उदार रखे मोहब्बत में सदा, आबाद दोनों घर मैं उनके दिल में रहता हूँ, वो मेरे दिल में रहते हैं। मेरे हिसाब से तो ये परिश्रम साध्य नहीं, ये कृपा साध्य है, उनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा। और आज हमारे लाडले ब्रज के सवन के चहेते और सूफी गायक मधुकर जी आज जो भी कछुए हैं वो उन्हीं की कृपाते हैं, उनके ऊपर में उनको आशीर्वाद है। और यह परंपरा के ताई हम तो अभिनंदन करें और प्रणाम करें। ये अद्भुत धारा श्री रसिक आचार्यन की जो उनने जन जन तक पहुंचाई है, प्रसारित करी है, उनकी स्मृति और अभिनंदन के ताई हम हृदय से प्रणाम करें। हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के लाडले प्यारे भगत जी श्री जी के चरणों के बड़े ही निकट थे और हमारे गायक मधुकर जी के पिताजी, इनके ऊपर श्री जी की बड़ी कृपा थी। ही हमारे परम प्रिय आसुदाराम जी भगत जी जिन्होंने रसकों की वाणी का बहुत प्रचार किया, ये बड़े अनुरागी प्रेमी भक्त थे, बड़े नम्र दिल थे और संगीत के बड़े प्रेमी थे, बड़े भावुक थे, वृंदावन के बड़े एक निष्ठ थे। जी के संग उनसे बिहारी जी गोलगप्पा खिलाने के लिए कहा, मार्ग बाजार में आप मुग्ध हो गए उनके वचनों को सुन करके, उनके मनोहारी छवि को देख करके, बेवश खिलाने को जैसे मन विवश कर लिया उन्होंने खिलाया। और खिलाने के संग संग हिसाब देते देते जब अपने आस पास देखा तो कहीं नहीं थे,
उनकी ही उस रसधारा को आगे बढ़ाते हुए उनके ही आत्मज मधुकर जी आज रसिक रूपी सुमनों से रस ग्रहण करके सामान्य जनों को मधुपान करा रहे हैं। परम पावन सुनाम धन्य श्री असुदाराम जी भगवान के विशेष प्रेमी भक्त और ब्रजनिष्ठ महान पुरुष रहे हैं। आपने स्वामी हरिदास जी महाराज जी, श्री हित हरिवंश महाप्रभु और श्री हरिग्राम ब्यास जी महापुरुषों के को आश्रय लेकर के ब्रज वृंदावन की आपने सेवा किया है। अपने अनन्य निष्ठा के कारण प्रिया प्रीतम को कई बार आपने प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया है। ब्रज भूमि प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल मां बसाए रहो, रसिकों के संग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहूं। आसुदा राम जी जिन्हें भगत जी के नाम से ब्रज में जाना जाता था, वे सरलता की मूर्ति थे। शास्त्रीय संगीत का अत्यधिक बोध होने पर भी उनमें विशेष सरलता थी और सभी को संत जनों को, रसिक जनों को, ब्रजवासियों को अपनी रागमयी सेवा के द्वारा आह्लादित कर देते थे। श्री आसुदा राम जी जिन्हें भगत जी भी कहते थे, जो कि प्रिया जी के अनन्य उपासक थे, वो अपने ही रसिक त्रिवेणी हरित्रयी स्वामी हरदास जी, हितरवंश जी और महाप्रभु श्री हरिराम व्यास जी का प्रचार प्रसार किया करते थे। श्री असुदा राम जी बड़े ही ज्ञानी पुरुष रहे। संगीत का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान और संत कवियों की रचनाओं का ज्ञान, उन्हें सब ब्रज में भक्तऋषि कहते थे। उनको परम भक्त माना गया। उन्होंने रचनाओं को जिस सुंदरता से प्रस्तुत किया है शास्त्रीय रागों में निबद्ध करके, वो कभी भूला नहीं जा सकेगा। आज तो छवि रस भरी मधुकर जी, ये जो कुछ भी उन्हें प्राप्त हो रहा है ये उनके पिताजी से ही प्राप्त हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं शंकर महादेवन। हित श्री असुदा राम जी भगत जी के पुण्यतिथि 20 अप्रैल को सुबह 10 बजे सेवा कुंज में होने जा रहा है। नमस्कार, मैं साधना सरगम, वृंदावन के बहुत बड़े संगीतज्ञ और रसिक संत श्री असुदा राम जी, जिनको भगत जी के नाम से जानते हैं, उनकी स्मृति में उत्सव हो रहा है सेवा कुंज में। आसुदा राम जी को मैं बहुत साल पहले मैं मिल चुकी हूँ। बहुत ही संत किस्म के आदमी है वो, और उनका बेटा मधुकर जी भी बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत खुशी है कि वो अपने पिताजी के स्मृति पर एक बहुत सुंदर सा कार्यक्रम वृंदावन में कर रहे हैं। पहल जा फिर जाने जा, फिर जाने जा, कानों की बान हटीली सी, काजल की आंख कटीली सी, दो
बिटिया मस्त नशीली सी, कुछ काली सी कुछ नीली सी, कुरेज करिश्मा नाजो सितम, कंधों की झुकावट वैसी ही, मिजवा की सना नजरों की थनी, अबरों की खिचावट वैसी ही, कत्ताल निगाह और दृष्टि गजब, आँखों की लगावट वैसी ही, पलकों की झपक पुतली की फिरत, सुरमे की लगावट वैसी ही, काली वो भला काली वो सितम, उंगली की नचावट वैसी ही। लाली मेरे लाल की जित देखूं जित लाल, लालन देखन मैं चली और मैं भी हो गई लाल। कृष्ण जी की परंपरा में दीक्षित भगत जी श्री श्री आसुदाराम जी, आज से 43 वर्ष पूर्व हम उनका दर्शन करते थे, बड़े शांत स्वभाव के, बड़े पक्कड़ बैरागी थे। श्री हम वृंदावन ब्रजमंडल यशस्वी संतों महापुरुषों से सदैव आच्छादित रहा है, ऐसे सदगृह संत श्री आसुदास जी महाराज ने ब्रजरज वृंदावन संतों की महिमा का जो गुणगान अपने संगीत के माध्यम से किया। मिज शाम आया नकी ने ईद मना, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी, जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की दासी है, नेक हूँ न रिस कहूँ भूल हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है, ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते ही जिन के उपासी है, हित ध्रुव और तीनों लोकन को तत्व मैंने एक ब्रिज लोक देखो, ब्रिज हूँ को तत्व श्री वृंदावन धाम है, वृंदावन तत्व नित रहे जहाँ साधु जन, साधु को तत्व गोपी ग्वारनी नाम है, ग्वारनी को तत्व गैया चरावनी काम है, कामहू को तत्व भैया काम जीत कृष्ण भयो, कृष्ण हूँ को तत्व राधा रानी जू को नाम है, चित्रित भुज मूल नहीं जिनके है, शंख चक्र इत्यादि चित्र अंकित, नल लाट पटल ऊपर बहु तिलक छाप रचना विचित्र, आश्चर्य कंठ में लसित नहीं तुलसी कंठी माला पवित्र, श्री गुरु के प्रबल प्रताप सिद्ध, रति कहां महामति शुभ चरित्र, आश्चर्य कंठ में लसित नहीं तुलसी कंठी माला पवित्र, श्री गुरु के प्रबल प्रताप सिद्ध, रति कहां महामति शुभ चरित्र, श्री राधा हरि हम कब हुए ब्रिजवासी, हरि हम कब हुए ब्रिजवासी। जागी वैभव करत लाल सा कर नीरत कमलासी, ठाकुर नंद किशोर हमार ठकुरानी रहा।